की सारी शर्में दूर कर दी इन्होंने। अब आए आधे घंटे से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल कैशू। टाइम हो चुका है 10:30 का और आज हम जा रहे हैं डे कैंपिंग बोल लो, पिकनिक बोल लो, कुछ भी बोल लो। और आज हम जा रहे हैं दिल्ली NCR में ही एक लोकेशन है जहाँ पे हम जा रहे हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते थे कि आप लोकेशंस दिखाते हो, पहाड़ों के दिखाते हो, दिल्ली NCR के आसपास भी काफ़ी लोकेशंस हैं वो भी दिखाओ। तो हमने सोचा कि चलो दिल्ली के पास की लोकेशन दिखाते हैं आपकी बार आपको, और लेके चलते हैं आपको एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन पे, बिल्कुल खेतों के बीच में है, अरावली की पहाड़ियाँ दिखती हैं और लेपर्ड ट्रेल आपको पता ही होगा गुड़गांव के पास में है। वहाँ पे आज हम करेंगे डे कैंपिंग। वहाँ पे आप नाइट कैंपिंग भी कर सकते हैं, पर कल हमारा भाई बिजी स्केड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, तो हमने सोचा आज का दिन है हमारे पास, तो आज का दिन अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं और चलते हैं आप लोगों को लेके हम एक ब्यूटीफुल सी जगह जहाँ पे शांति से हमारे दो भाई और हमें ज्वाइन करेंगे और शांति से हम बैठ के अपना मस्ती करेंगे, मौज करेंगे और पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड करेंगे। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ पिकनिक और डे कैंपिंग, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो बने रहिए साथ में, दिखाते हैं आपको आगे का। ये बहुत ही कॉमन सी रोड्स हैं, 18 सेक्टर वाला फ्लाईओवर जो कि हर किसी को पता है। हम हर रोज यहाँ से ट्रैवल करते हैं मोस्टली ऑफिस जाने के लिए। इनका आउटफिट देख, इन्होंने ऐसा पता भी क्यों डाला, बिकॉज ऑफ राम मंदिर। कल श्री राम जी का जो मंदिर का उद्घाटन होना है उसके उपलक्ष्य में ये सब को जश्न मना रहे हैं। सारी शर्में दूर कर दी इन्होंने। अब आए आधे घंटे से खड़े हुए थे हम यहाँ पे, आपको पता था 10:30 पहुंच गए थे हम यहाँ पे और अब बच चुके हैं 11। चलो अब चलते हैं आगे, चलो आगे आप ही। सबसे मौज में है जेरी, आराम से बैठा है मौज में, इसको ठंड भी नहीं लग रही और इसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। इस साइड से कैसा लग रहा है, ठंड भी नहीं लग रही है इसको। दिल्ली में पोल्यूशन कैसे कम कर रहे हैं, एंटी डस्ट गन चला रहे हैं भाई। पोल्यूशन भी तो कम करना है ना दिल्ली में। पोल्यूशन नहीं कम होने वाला यहाँ पे, थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। हाँ, इससे थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है पर इतना ज्यादा नहीं पड़ता फर्क। अब पहुंचने वाले हैं गुड़गांव, दिल्ली क्रॉस हो गया है और फॉग देख रहे हो कितनी ज्यादा है, ठंड का फील यहाँ पे पूरा आ रहा है, पहाड़ों वाली फील आ रही है। चलते आगे, इसीलिए आज आए थे बाहर कि ठंड वाली फील लेते हैं और दिल्ली NCR में कौन सा कम ठंड होती है पहाड़ों से। यहाँ का भी टेम्परेचर अभी भी 9-10 डिग्री सेल्सियस है। देखते हैं वहां जाएंगे जब बाहर, अभी गाड़ी का इतना दिखा रहा है, बाहर जाके देखते हैं क्या है कितना है। चलो जी, पहुंच गए हैं फाइनली लेपर ट्रेल में, मंदिर से शुरुआत हो चुकी है और निकलते हैं अब आगे और ढूंढते हैं लोकेशन जहां हमें करना है स्टे। ये देखो यहाँ पे बाइकर्स आए हैं जय श्री राम के नारे लगाते हुए। देखो राइट साइड में भी फॉग कितनी ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है, ऐसे बाहर निकलते ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कहाँ उतर गए, हवा बहुत ठंडी है। हाँ, ये मंदिर का रास्ता है। और यहाँ पे आपको मल्टीपल कैफेज मिल जाएंगे, कहीं भी आप जा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। अभी भी हम जा रहे हैं, हमें तो कैंप के लिए जगह देखनी है। ये एक और मंदिर है, शिव मंदिर आई थिंक। यहाँ पे भी सफाई कार्यक्रम चल रहा है। ये हमारी थर्ड कार भी पहुंच चुकी है, कहाँ अपना कैंप लगाना है। टेंट तो आज पिंच नहीं करेंगे हम। ये आ गया, पहुंच गया। एक लोकेशन सर्च करते हैं अच्छी सी। हाँ, कोई मिल जाए तो हो सके कैंपिंग भी करेंगे हैं, और थोड़ी मौज मस्ती करते हैं आज। ठीक है, क्योंकि बात ज्यादा दूर तो जा नहीं सकते आपकी बाप, तो लीड आप करिए, चलिए आगे देखो। हाँ, ढूंढते हैं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। हाँ जी, हाँ जी, चलो चलो। देख रहे हैं लोकेशन बहुत सुंदर, थोड़ी थोड़ी पहाड़ों वाली फील तो आ रही होगी रिचा।
मैं यही बोलने वाली थी कि हम इतनी दूर क्यों जाते हैं, यहीं पे आ जाया करें हर वीक या फिर ऑल्टरनेट वीकेंड्स। ठंड भी एकदम वैसी ही है जैसी पहाड़ों में होती है। तो ये तो वही है ना, वन मंथ रहेगी लेकिन पहाड़ों की फील तो हम ज्यादा दिन मिस नहीं कर सकते। आज वही था कि टाइम था सब लोगों के पास, तो हमने प्लान यहीं का कर लिया, तो फील थोड़ी बहुत ही तो आ रही है, थोड़ी बहुत तो आ रही है फील। ठंड ज्यादा वाइब दे रही है, ज्यादा फील दे रही है। हमें वो बॉनफायर करना ही पड़ेगा। जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलो एकदम इतनी ज्यादा ठंडी हवा चल रही है, बॉनफायर के बिना काम चलेगा नहीं। देखते हैं पहले लोकेशन डिसाइड करते हैं, फिर बॉनफायर का देखेंगे बाद में। इस लोकेशन के बारे में सुना तो बहुत था पर मैं आया आज पहली बार हूँ। देखते हैं चलते आगे कैसी है, क्या कुछ रहेगा, और होपिंग कि सब अच्छा ही रहे। यहाँ पे पूरी राजस्थान की भी फील दे रहे हैं, कैमल राइड कराते हैं यहाँ पे। हैप्पी पाई, हैप्पी भाई नहीं, वाइन शॉप देखो, ग्रीन हिल। देसी ठाट, मूर्थल के पराठे भी मिलते हैं यहाँ पे। We have अम्मा जी कैफे also in गुड़गांव। हमें राठी कैफे तो जाना है। It also seems good, जंगल कैफे। जो लोकेशन हम आपको बता रहे थे वो है ये वाली लोकेशन। देखो कितनी अच्छी सुंदर ब्यूटीफुल सी लोकेशन है। और ये हमारा सेटअप कर रहे हैं हम, थोड़ा बहुत ज़्यादा सेटअप की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, बस टेबल चाहिए, चेयर चाहिए और हमारा वो गैस चूल्हा चाहिए और सब हो जाएगा फिर तो। तो ये हमारे पहले मील की तैयारी हो रही है। ये बन क्या रहा है, मेरे को तो सूजी का चीला बन रहा है क्या आज फिर? नहीं, क्या बन रहा है? आपे बन रहा है। आपे या पापे जो मनीष जी बोलते हैं, पापे पापे। चलो जी आपे बना रहे हैं हम, ये वेजिटेबल्स को चॉप करेंगे अभी। सामान ज़्यादा की रिक्वायरमेंट थी नहीं तो हम ज़्यादा लेके भी नहीं आए, वही लिमिटेड सा सामान है। चलो दिखाते हैं हम आपको। चाकू नहीं मिला? मिल गया। चलो मिल गया, अब ये चॉपिंग स्टार्ट हो रही है। मिक्सचर इसमें डालना पड़ेगा क्या? सारी वेजिटेबल्स हम डाल देंगे इसमें। फिर अब इसको पानी नहीं डालेगा इसमें, ये तो सूखा सूखा हो रखा है। अभी डालेंगे पानी। अच्छा पानी और डालेगा इसमें। बढ़िया बने पक्का, देख लो इनको भी देख ला, खा लेगी वो आराम से। अभी पहले मैं पानी आ रहा हूँ। नहीं पानी तो नहीं आ रहा मतलब। मैं खाती हूँ तुम खाओ। चलो चलो दूसरा वाला। स्टार्ट एक किचन में तो बनना बन भी गया, उन्होंने हमें खिला भी दिया। आधी प्रिपरेशन घर से करके आए थे। अच्छा इसीलिए घर से करके लेट हो गए। वो देखो उधर चल रहा है जुगाड़ू काम, आज सब चीज जुगाड़ू चल रही है इनकी। आओ तुम गैस लगाओ। गैस लगा देते हैं अभी और स्टार्ट करते हैं अपना आपे बनाना। अभी तो मुझे 2 महीने की डिमांड थी मनीष जी की, इनको पापे खाने थे पर हम आज इनको आपे खिलाएंगे। मैंने कभी अपनी लाइफ में खाई नहीं है, क्योंकि पापे हमें बनाने नहीं आते, आपे बनाने आते हैं। हम आपे खिला देंगे आपको आज। आपे बिना खिलाओ कोई। तो हमारा
बैटर अब डलेगा इस अप्पे स्टैंड में, और ये घी डाला है अभी। घी क्यों डालते हैं? ताकि वो चिपके ना, ग्रीजिंग के लिए। अच्छा, तो डालो फिर इनको जितना में डल गया। हमारा सेकंड घर यहाँ पे क्या बन रहा है जी? सैंडविच बन रहे हैं। सैंडविच, और ये जी ग्रैनुअल्स हैं, छोटे वाले जो होते हैं। चलो अच्छी बात है, ये कवर सही है। हम तो भूला है इसको आज चलाना। आप भूल गए, आप बहुत कुछ भूल गए हैं। आज मैं और भी बहुत दो तीन चीजें भूल चुका हूँ। चलो सही है, बाकी खा के मजा आया। टेस्ट हम पहले ही कर चुके थे, आपने पहले ही दे दिया था हमें। अच्छी बात है, अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। लेकिन सब चीज थोड़ी थोड़ी खाएंगे क्योंकि हम वेट कर रहे हैं। हम भी वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं उधर, वहाँ पे जो आलू उबल रहे हैं ना, हम वेट कर रहे हैं आलू उबलने की। हम वेट कर रहे हैं हलवाई के ब्रेड पकौड़ों की। आज बालाजी के ब्रेड पकौड़े मिलेंगे, बालाजी स्वीट्स भंडार। चलो सही है, बालाजी स्वीट्स भंडार का खाना खाएंगे आज हम आदिवंश व्लॉग से। चलो जी हम सर्व करते हैं अपना अप्पे जो बनाए हैं। मनीष जी की डिमांड थी, मनीष जी बड़े क्यूरियस थे इनको खाने में। और ये हमारा थर्ड किचन जहाँ पे अभी आलू उबले हैं और ये मैश होंगे अभी। और ये बन रहा है बैटर जिसमें हमारे बनेंगे ब्रेड पकौड़े। ये लीजिए मनीष जी आपके अप्पे, थोड़े सा गंदे हैं। कोई नहीं, वंश ले लेगा। खा के बताओ कैसे बने हैं, करो टेस्ट रिव्यू बताना। मस्त है एकदम। कुछ और भी बोलते, गलत है तो बता दे, नमक ज्यादा कम ज्यादा जो भी हो बता दे, कोई दिक्कत नहीं। क्या है ना ये सूजी, इसमें और क्या क्या? सूजी, टमाटर, सूजी और सब्जियां, सब्जियां सारी है ना। हाँ जी, चलो जी बनाइए, आप भी करिए तैयारी, हम भी आते हैं थोड़ी देर में आपके पास। जी डिलीवरी बॉय पहुंच गया है सेकंड घर में देने के लिए, और आप यहाँ रेडी हैं आपके लिए। टेस्ट करिए और बताइए कैसा है। क्या बात है, अरोड़ा परिवार पूरा खुश, पूरा एनर्जी के साथ अपना कार्य संपन्न करते हुए। खा के देखो, सब खाओ, एक एक उठाओ और बताओ कैसा बना है। वही स्टाइल में बताना। ये पास हो गए भैया, पास हो गए। चलो जी आप भी खाओ फिर। चलो मैं खा रहा हूँ, देखो मेरे हाथ थोड़े जहरी वाले हैं। बहुत टेस्ट बने। सही है, बच्चों को भी खिलाओ एक एक। इस मौसम में गर्म गर्म मजा आ गया। आ जाता गर्म तो नहीं था दादा? अभी ठंडे में गर्म अच्छे लग रहे हैं। चलो सही है, बहुत बढ़िया बने, बहुत टेस्ट बने। चलो सही बात है, आप भी खाओ। हम भी खाते हैं अभी, मेरा तो हो गया वैसे सैंडविच खा के। नेक्स्ट राउंड रेडी हो रहा है हमारा। इसका बैटर तो काफी है ना अभी, मेरे को लग रहा है इनको इनकी शॉप पे भेज देते हैं जाके। इनका जो ये कैफे है ना, यहाँ पे दे देते हैं इनको जाके। ब्रेड पकौड़ों की तैयारी हो चुकी है, बन के रेडी है। इधर ब्रेड रोल बनेंगे और अब बनाएंगे इस पे। देखो ये अपना बारबेक्यू को हमने बना दिया चूल्हा, देसी स्टाइल वाला। और ये हमारा व्लॉगर आज कुछ भी शूट नहीं कर रहा, पता नहीं क्या ढीला हो गया आज ये। इस व्यू के साथ सरसों के खेत, खाली ग्राउंड, पीछे अरावली की पहाड़ियाँ, और ये हमारा ब्रेकफास्ट जो हो तो बहुत ज़्यादा लेट रहा है, 2:30 बजे हुए हैं और अब इस टाइम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। पर खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। अभी उधर का वेट है हमें, इधर का डन हो चुका है, इस वाले किचन में भी ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, तो वेट है, खाते हैं इसको। और ब्रेड पकौड़ों के लिए तो आई एम वेरी क्यूरियस, मेरे को बहुत ज़्यादा इच्छा है उनकी खाने की।
देख रहे हो आप मोर, हमें तो आसपास के घरों में तो देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे आए हैं यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये हमसे डर के दूर भाग रहा है, हम इसके पास जा रहे हैं, ये दूर भाग रहा है हमसे। व्यू नेचर के क्लोज हैं बिल्कुल, बर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, हमारे लोकल एरिया में तो बर्ड्स हमें दिखते नहीं हैं। और ये फेंसिंग हो रखी है, उधर देखो उधर ही हमारी गाड़ियाँ, और ये सब लोग हम बैठे हैं और कर रहे हैं इंजॉय, बैठ के अपनी बातों पे लगे हुए हैं, क्योंकि इंजॉय करने आए थे, रेस्ट करने आए थे, थोड़ा मिलने जुलने आए थे, बातें बातें करने आए थे, तो वही कर रहे हैं अब यहाँ पे। और नेक्स्ट प्लान करते हैं अब, क्योंकि 5 बज चुके हैं, कुछ खाने की इच्छा, हल्की हल्की सी भूख लग रही है, तो अब देखते हैं क्या प्लान है, जाते हैं पूछते हैं इनसे। जैसे जैसे शाम बढ़ रही है, ठंड भी बढ़ती जा रही है, और बढ़ती ठंड को देखते हुए हमें चाहिए थोड़ी सी बॉनफायर। बॉनफायर के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ाम हमने किया है, देखते हैं इससे चलता है तो काम बढ़िया रहेगा, वरना आज हम डीजल लाना भूल गए हैं, हमारी जो फ्लेम गन थी वो भी ख़राब हो गई है, सुबह वो जला दी थी हमने, तो देखते हैं अब कैसे रहता है। और प्रिपरेशन हमने आज बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया है, 5 बजे के अराउंड ही हम ऑलमोस्ट, हमारा डिनर प्रिपेयर्ड है। ये बन रही है खीर, ये चावल हमारे धो के रख दिए गए हैं, और ये थर्ड किचन है, यहाँ पे हमारे छोले बॉयल हो रहे हैं। हमारी इच्छाएं तो बहुत थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है तो हमने सोचा कि जो ये डिनर और इवनिंग स्नैक लगा लो, कुछ भी लगा लो इस चीज़ को, तो हम सोच रहे हैं कि इसको इकट्ठे कर लेते हैं, और ताकि जल्दी बन जाए और ठंड से बच जाए। छोले को तड़का लगना शुरू हो चुका है, साफ बना हुआ था, ये बनाएगा हमने संभाली है तो बिल्कुल डाउन हो गया। कल भाई मैं स्पेशल गया हूँ मार्केट गया हूँ, वहाँ से 100 दिए लेकर आऊँ, दिए जलाऊंगा। राम मंदिर का तो आपकी सोसाइटी में भी हो रहा होगा ना? हमारी सोसाइटी में भी है। हाँ, वो तो सभी में हो ही रहा है, प्रतिष्ठा करके है ना। हाँ, आ रहे हैं पूरा। तो काफी अच्छा फंक्शन कर रहे हैं उन्होंने, पूरे दिवाली की तरह प्लान किया, दिवाली की तरह कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो पटाखे भी लेके आए हैं, जलाएंगे भी करेंगे। पटाखे तो मेरे पास भी पड़े हैं भाजी। नहीं, सोसाइटी में हमारे प्रॉपर मतलब तरीके से जलाएंगे वहाँ पे। अच्छा, दिए तो अभी अरेंजमेंट है वहाँ पे, सब चीजें करेंगे बहुत अच्छे। क्या नाइट में है या दिन में? जेरी देखा जाए तो बहुत बड़ा दिया। जेरी ओए बेटा, जेरी जितने की के नैन वाची क्या कर रहे हो? चलो जी, फाइनली हमारे राइस सर्व हो रहे हैं, इस घर से जा रहे हैं चावल, उस घर से प्लेट्स में डल रहा है छोले, और ये तीसरा घर जिसकी हम खीर खा चुके हैं सर्व हो रहे हैं, सबके घरों में जा रहे हैं, पर पर्सन के हिसाब से जा रहे हैं, क्वांटिटी ठीक है ना? ठीक है, सर्व हो जाएगा सबको, आई होप सो हो जाएगा। चलो ठीक है, सर्व हो जाना चाहिए, सबका पेट भर जाना चाहिए, क्योंकि दिन में हमने काफी ऑयली खा लिया था, तो हमने सोचा डिनर करेंगे लाइट। और अब ये छोले सर्व हो जाएंगे सबको, बच जाएंगे। चलो ठीक है फिर तो, क्योंकि दिन में जो हैवी खाया था उसको भी न्यूट्रलाइज तो करना है ना, थोड़ा सा लाइट खा के, वैसे भी लाइट ही खाना है। हाँ ये तो है, तो राइस अच्छा है, राइस हो रही है, और खीर अपना वो तो ट्रेडिशन है, ये राम जी के कृपा से आज खीर खाएंगे, बढ़िया खाएंगे। सही बात है, प्रसाद हो गया। हाँ जी, चलो जी, अब ये बॉनफायर भी हमारा ढीला हो चुका था, तो हमने प्लान किया कि अपना डिनर करते हैं और यहाँ से निकलने की सोचते हैं, क्योंकि हमारा डे ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। जो इनका ये कैफ़े था ये भी ऑलमोस्ट सब जा चुके हैं, यहाँ से कोई नहीं है, बस ये 3 गाड़ियाँ हमारी यहाँ पे बची हुई हैं, और हम
यहाँ से कर रहे हैं प्लान अब खाना खा के निकलने का। अभी टेस्ट करके बताते हैं कि बने कैसे हैं। चलो ये दो जने तो खाई रहे, इनसे तो पूछ सकते हैं। हाँ भाई आदि। हाँ भाई वंश, कैसे बने हैं? बढ़िया बढ़िया। नमक मैंने सुना था कम है, सही है? चलो सही है फिर तो। हाँ जी, ये किसके लिए डले हैं? आपके लिए। चलो दो फिर मेरे को। स्पून ले आती हूँ मैं। ये वाले दे देना, घी वाला स्पून ही दे दे। घी डाल दो। डाल दे। घी किसको बुरा लगता है? चलो सही है, घी वाले बन के हैं तैयार। मिक्स कर ले। हो जाएगा, छोड़ ये हाथ में पकड़ाइए। ध्यान से पकते हो। चलो जी, ये हमारा डिनर तैयार। अब चलते हैं बॉनफायर के पास और खाते हैं इसको और आनंद लेते हैं इसका। बैठ के खा लो ना, खड़े होके क्यों खा रहे हो? बस मेरे लिए छोले डाल देना फिर बैठना। कैसे बने? मजा आ रहा है, अच्छे बने हैं। थोड़ा सा नमक कम है। हाँ। आप लोग कहोगे कि हर चीज में कुछ ना कुछ कमियां निकाल देता है, पर नमक लिटरली आज फिर कम है। क्या कहते हो? थोड़ा सा कम है नमक। निकल रहे हैं लेपर ट्रेल से, जा रहे हैं नोएडा। नोएडा का डिस्टेंस यहाँ से है 1.5 घंटे का। चलो जी, पहुँचते हैं नोएडा और करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अपना प्यार बनाए रखिए, अपना प्यार सपोर्ट हमें देते रहिए। थैंक यू।